बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके जहन में कुछ सवालात होंगे हमारे चैनल के बारे में, ये कि हमने चैनल पर किस तरह की वीडियोज़ मिलेंगी, चैनल क्यों बनाया, हमारा मकसद क्या है। तो इसलिए ये हमने इंट्रो वीडियो बनाई है कि आपके ये सारे सवालों के जवाब आपको हम दे दें इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो इस चैनल के ऊपर आपको किस तरह की वीडियोज़ मिलेंगी, क्योंकि चैनल के नाम से ही जा रहा है कि किचन गार्डनिंग है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे सब कैटेगरीज़ कवर करने की। मतलब कि घर पे हम लोग जो मेन सब्जियां होती हैं वो हम लोग घर पे उगाने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ अगर कुछ फूलों के जिस तरह कुछ वैरायटीज़ हैं वो भी हम लोग आपको उगाने का तरीका बताएंगे, और बताएंगे शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ये चैनल बनाने का ख्याल क्यों आया? क्यों मैं यार, बेसिकली मेरा तल्लक जो है आईटी प्रोफेशन से है, और तकरीबन 10-15 साल हो गए ये काम करते हुए, और टाइम ही नहीं मिला ये नेचर वाली चीज़ों का और ये सारा कुछ। तो जब से ये कोरोना आया है, क्योंकि मैं घर पे होता हूँ और रिमोटली काम कर रहा हूँ, तो इसलिए ये जहन में ख्याल आया कि यार क्यों ना कुछ इस तरह का भी हॉबी के तौर पर ये शुरू किया जाए, जिससे घर वाली हमें ऑर्गेनिक चीज़ें मिल सकें जो दूसरी केमिकल्स वगैरह होती हैं उनसे पाक। और चैनल बनाने का ख्याल इसलिए आया कि मैं कुछ रिसर्च कर रहा था यूट्यूब के ऊपर और बाकी इंटरनेट के ऊपर, तो मुझे चैनल तो बहुत है किचन गार्डनिंग के ऊपर, मगर वहाँ जिस तरह आप कोई चीज़ उगाना है ना, उसको लगाने का तरीका बता देंगे, और बाद में फिर कोई गाइड नहीं मिलती कि उसका एक हफ़्ते के बाद उसकी केयर कैसे करनी है, उसको एंड तक कैसे पहुँचाना है, तो बंदा कन्फ्यूज़ ही रहता है वो वीडियो देखने के बाद भी। तो मैंने कहा कि अगर मैं हो सकता हूँ ये बंदा, तो मेरे जैसे और बहन भाई भी हो सकते हैं जिनको ये मसले आते हैं, तो इसलिए ये चैनल हम बना रहे हैं, शुरू कर रहे हैं ये छोटी सी कोशिश। और कोशिश हमारी कामयाब हम समझते हैं कि हो जाएगी, अगर हम कोई हमारे कुछ लोग भी हमारी वजह से अगर किसी ने घर में एक पुदीना भी लगा दिया, एक फूल का पौधा भी लगा दिया ना, तो हम लोग समझेंगे कि हम इस कोशिश में कामयाब हो गए, ठीक है। और चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब क्यों करें, ठीक है, आप सब्सक्राइब करें कि अगर आपको पौधे लगाने का शौक़ है, फिर भी हमारे घर में सब्जियां उगाने का शौक़ है, फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सब्जियां पौधे अपने कभी घर पे नहीं उगाए, मेरी तरह आपको कोई शौक़ नहीं है, मैं चाहता हूं कि फिर तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी मकसद ही है कि आपको ऐसा कंटेंट देंगे इंशाल्लाह और मालूमती वीडियोज़ आएँगी कि आपका दिल इंशाल्लाह एक ना एक दिन कर ही पड़ेगा कुछ ना कुछ घर पर लगाने को, ठीक है। और हमने इंशाल्लाह मिलके कोशिश करनी है, हम चाह रहे हैं कि एक फैमिली बन जाए, जो भी हमारे मेंबर्स हों वो हमें तजावीज़ भी दें कमेंट में, हमारी वीडियोस जो भी हम पोस्ट करें, और फिर सजेशन दें, तो मिलके हमने कोशिश करनी है इंशाल्लाह, बहुत कुछ सीखना है और हम लोग सीखेंगे। अगर जिस तरह अभी मैंने कभी सब्ज़ियाँ उगाई नहीं, हो सकता है कि कई चीज़ें हम उसमें फ़ेल भी हो जाएँ, तो हमने हारना नहीं है, उसे सीखना है। तो हमने जीतना है और या सीखना है, हारना तो है ही नहीं इंशाल्लाह ताला अज़वजल। इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोस हम बनाएंगे, इसके बाद हमारी दूसरी वीडियो में मैंने एक जो छोटा सा सेटअप बनाया है हमने छत के ऊपर अपने बनाया, क्योंकि यार शहरों में आपको पता है छोटे छोटे घर होते हैं और इतनी जगह नहीं होती कि लॉन या गार्डन सेपरेट आप बनाओ। तो मैंने जिस तरह आपको पता है आप लोग भी आपके घर में कुछ सेन है छोटा सा छत के ऊपर है, तो आप लोग भी इसको देख के शुरू कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरह अपने जो स्पेस था उसके उस हिसाब से अरेंज करने की कोशिश किया, तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो हमारी आएगी, हम आपको सेटअप दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम प्लांटेशन करेंगे, तो स्टेप बाई स्टेप हम सारी वीडियोस आपको पूरा गाइड करते रहेंगे। तो आप हमें सपोर्ट इस तरह कर सकते हैं कि यार एक तो सब्सक्राइब कर लो, और दूसरा आपके आपको लगता है कि यार हमारा वो फलां दोस्त है या बहन भाई है जिसको थोड़ा बहुत शौक़ है, तो उसके साथ भी आप लाजमी हमारा लिंक चैनल का शेयर करें या ये वीडियो का लिंक लाजमी शेयर करें। शुक्रिया, जजाकल्ला।